Hello friends, good morning, welcome back to our channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे about income tax website, in fact new income tax website, जो कि काफी मेहनत के बाद अब finally live है and हम उस पर काम कर पा रहे हैं. तो आज हम उसका एक डेमो देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ क्या है, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए उसका और आपको ज्यादा दिक्कतें भी ना आए उसमें कहाँ क्या है, क्योंकि नए वाले में काफी सारे चेंजेस हैं एज कम्पेयर टू द ओल्ड वन. सो लेट्स गो अहेड विद दैट. तो चलते हैं हम हमारे नए इनकम टैक्स पोर्टल के लिए, जो कि ये रहा उसका लिंक incometax.gov.in/ic/fo-portal. ठीक है, यहाँ पे आके हमें अब जैसे कि आप देख रहे हैं पहले का जो होम पेज था और अब के होम पेज में भी काफी ज्यादा अंतर है. यहाँ पे बाहर ही दे हैव कैटेगराइज्ड इंडिविजुअल HUF. पहला ऑप्शन है जिसमें कि सैलरीड एम्प्लॉयज के अंदर में दे हैव गिवन दीज बाइफर्केशंस. देख लें आप इसे एक बार, फिर हम इसे वन टू वन डिस्कस करेंगे. यह है गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. यहाँ पे वो हमें जो भी हमारे बेसिक ITR के फॉर्म्स हैं उसके कंटेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ आपको अभी चार दिख रहे हैं क्योंकि सिर्फ चार ही लॉन्च हुई है ग्रेजुअली अभी, और 5, 6, 7 ITRs भी है जो भी वो भी अभी यहाँ पे आएंगे. तो आपको उसके साथ में उन ITRs की भी यूजर मैनुअल और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ये जब आप रजिस्टर करने के लिए जाएंगे तो फिर ये डिटेल्स वो वहां पे मांगेंगे आपसे, प्रोफाइल नेम, डिटेल्स, पैन, डेट ऑफ बर्थ, आधार बेसिक, KYC डिटेल, फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं. फिर है रिटर्न्स फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी. इसके अंदर आपके ऊपर कौन सी ITR आपके लिए एप्लीकेबल है, कौन सी नहीं है, यहाँ आपको वो गाइडेंस देते हैं. उसके बाद है टैक्स लैब्स. अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप यहाँ जाकर स्टडी कर सकते हैं कि अब टैक्स रेट क्या है. बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि फीमेल्स के लिए टैक्स रेट कम है, मेल्स के लिए ज्यादा है. तो अब खैर वो कोई डिफरेंस रहा नहीं, अब सिर्फ एज के हिसाब से थोड़ी बहुत बेनिफिट भी है. सरचार्ज, सर्टेन इन अमाउंट ऑफ इनकम से जब आपकी इनकम बढ़ती है सर्टेन अमाउंट से तो उसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल है. इन्वेस्टमेंट के बारे में भी काफी कुछ यहाँ पे ये रखा है इन्होंने, ATCC, ATC, CCD, NPS स्कीम, ATD, पूरी शेड्यूल 6A के बारे में टोटल एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है यहाँ पे. उसके बाद आ रहा है अपडेट माय प्रोफाइल डिटेल्स. आपको जब प्रोफाइल डालना अपडेट करना रहेगा तो आप वहां जाके कर सकते हैं. देन असिस्टेड फाइलिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं हु कैन असिस्ट यू CA. सो वी आर अ टीम ऑफ CA, CS एंड लॉयर्स. मैं टेक्सास की बात कर रहा हूँ. सो यू कैन ऑलवेज कम टू अस फॉर द हेल्प. बाकी देखिए ये कह रहे हैं कि CA आपकी हेल्प कर सकता है, ERI आपकी हेल्प कर सकता है, ई रिटर्न इंटरमीडियरीज. वी आर ऑल्सो अ ई रिटर्न इंटरमीडियरी रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ये देख सकते हैं आप.
हमारे साइट पे भी हमने डाल रखा है एंड वी हैव आवर रिटन इंटरमीडियरी नंबर आल्सो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये उस केस में एप्लीकेबल रहता है कि जब ये चार केसेस में देखो आप इन चार केसेस में ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स आर वैलिड। तो ये बेसिक चीजें हैं और जो आप देख सकते हो आराम से। फाइनली आता है डाउनलोड, जहां से आप आईटीआर के फॉर्म्स डाउनलोड करके यूटिलिटी से आप इसे फाइल भी कर सकते हो। फिर आता है बिजनेस प्रोफेशन, सेम चीजें यहाँ भी है। फिर है आपका सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन्स, इनके लिए भी सेम चीज है। फिर है नॉन रेजिडेंट, और फिर है HUF। नेक्स्ट कैटेगरी है आपका कंपनी। कंपनी के में भी फिर इन्होंने डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी में बाइफरकेट कर रखा है। यहाँ देखो, हाँ ये रहा आईटीआर 6 और 7, वहां था 4 तक, यहाँ आ गए 6 7, 5 भी इसी में होगी। लोन कंपनी में आएगी। रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल टू देम। They have also given you a tax genie, एक artificial intelligence who will be helping you. They are trying to upgrade it to the maximum level as possible so that taxpayers को कम से कम issue आए। देखें ये क्या कहता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब चीजें करके रखा हुआ है सेव, यू कैन बेसिकली यूज इट। देखते हैं कितनी हैंडी मतलब होती है। फिर कंपनीज के टैक्स लैब्स, उसके बाद है आपका फॉरेन कंपनी में भी सेम चीज है। इसके बाद है नॉन कंपनी। नॉन कंपनी में आती है आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट एंड AJP। फिर आती है फर्म एंड LLP एंड फिर लोकल अथॉरिटी। उसके बाद एक और टैब है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये भी है मतलब हमारे पास, तो हम ये भी आपको लॉग इन करके दिखाएंगे। फिर एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे बैंक्स एंड ऑल, एंड उसके बाद है आपका टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स कलेक्टर, ये भी है, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। एंड लास्ट ऑप्शन, ये एक और ऑप्शन है, सेकंड लास्ट ऑप्शन इज डाउनलोड्स, जहाँ पे आपको टोटल इनकम टैक्स यूटिलिटीज सारे मिल जाएंगे, आप जहाँ से कर सकते हो डाउनलोड। एंड लास्ट ऑप्शन इज हेल्प। चलिए हम लॉग इन करते हैं। यहाँ ऑप्शन है लॉगिन का, आप साइट को इंग्लिश और हिंदी में भी यूज कर सकते हैं और उसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। ये हमने लॉग इन कर लिया। लॉग इन करते ही आपको ये 40 मिनट्स का टाइम देते हैं फॉर वन लॉग इन, मतलब उसके बाद अगर रिफ्रेश करते हो या जो भी करते हो फिर आपको वो अपडेट हो जाता है, नहीं तो ये रहता है।
डैशबोर्ड पे जैसे हमें दिख रहा है वो है कि पहला है कि फाइल्ड लेटेस्ट आपने क्या फाइल कर रखी है, कब फाइल करी है और वेरीफाई कब हो रखा है। फिर रिटर्न प्रोसेसिंग जब होगी तब यहाँ आएगी और कंप्लीशन के बाद यहाँ पे। और फाइल करना है आपको तो आप यहाँ जाके रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ओरिजिनल रिटर्न 14 सितंबर को ही फाइल कर रखी है, इसीलिए यहाँ पे रिवाइज का ऑप्शन आ रहा है, वरना नया फाइल कर रहा था। फिर है टैक्स डिपॉजिट। यहाँ आप जो जो अपने टैक्स पे करेंगे या जितनी भी अमाउंट आपकी रहेगी वो यहाँ एज अ ग्राफिकल ऑर्डर में दिखेगी आपकी। फिर है रिसेंट फाइल रिटर्न्स। आपकी रिसेंट जो रिटर्न्स फाइल्ड है वहाँ वो बेसिकली आपकी टैक्सेबल इनकम दिखाते हैं इधर। के बाद है पेंडिंग, कोई नोटिसेस वगैरह या कोई क्वेरी अगर तो वो यहाँ आएगी। फिर रिसेंट फॉर्म्स फाइल्ड, इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा अगर आपने कोई और फॉर्म फाइल कर रखा है तो यहाँ आ जाएगा। ग्रीवेंसेस अगर आपने कोई रेज कर रखा है उसका स्टेटस क्या है वो यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद अगर हम आते हैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, तो हम जाके जब चूज करते हैं तो वी गेट अ ऑप्शन ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन। जैसे रिकमेंडेड इज ऑनलाइन बट हम करते हैं हमेशा ऑफलाइन। फाइल अ फ्रेश न्यू इनकम टैक्स रिटर्न, आप यहाँ जाके अपना नया इनकम टैक्स रिटर्न भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम पहले बाकी चीजें देख लेते हैं फिर रिटर्न देखेंगे अगर टाइम रहा तो। यहाँ डैशबोर्ड में आपको मिल जाता है पूरा का पूरा एक आपकी ईयर वाइज रिटर्न का स्टेटस, कि आपने कब फाइल किया, वेरिफिकेशन कब हुई और अभी का स्टेटस। यहाँ रिफंड रीशूट तक की भी डिटेल आती है आपकी, तो ईयर वाइज आप उसको आइटम्स पर पेज से आप चेंज कर सकते हैं उसको आप। तो आपकी हिस्ट्री जहां तक है टोटल आप देख के, डाउनलोड फॉर्म, डाउनलोड रिसीट, डाउनलोड एक्सएमएल। एक्सएमएल मतलब यही होती है एक तरीके का फाइल है। हम जब किसी सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर करते हैं और वहां से रिटर्न करते हैं फाइल, तो वो एक्सएमएल फॉर्मेट में ही वहां से एक्सपोर्ट होती है और इनकम टैक्स उसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट भी करती है उसको। ये होता है फॉर्म जो बैंक्स वगैरह मांगते हैं आपसे लोन के टाइम में, किसी भी टाइम में। तो सिंस मैंने 2011-12 से फाइल करना स्टार्ट किया है तो उस टाइम से है आपका, अगर उसके पहले से है तो होगा। उसके बाद आता है ई वेरीफाई रिटर्न्स। अगर आप कि किसी भी साल के रिटर्न ई वेरीफाइड नहीं है, जो कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 120 दिन तक, 120 दिन के अंदर अंदर आपको ई वेरिफिकेशन करना रहता है। अगर आपने नहीं कर रखा है उसे तो आपकी वो रिटर्न डिफेक्टिव मार्क हो जाती है, और फिर आपको अगर उसको वैलिड करवाना है तो आपको कॉन्डनेशन ऑफ डिले के लिए फाइल करना पड़ता है, फिर जाकर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होती है वो। इसलिए 120 दिन के अंदर अंदर हम उसे ई वेरीफाई कर लेना चाहिए। फिर है व्यू फॉर्म 26 ईयर्स। फॉर्म 26 AS में बेसिकली क्या होती है, आपके पूरे साल भर की इनकम जो रहती है उसके ऊपर TDS जो भी कटता है वो वहां पे शो होती है। तो बेसिकली 26 AS हेल्प्स अस इन असर्टेनिंग आवर TDS, कि कितना TDS कटा है जो कि हमें साल के एंड में रिफंड क्लेम करना है या फिर वहां से टैक्स एडजस्ट करना है, जैसा भी कंडीशन रहता है उसी के बेसिस पे रहता है। तो यहाँ कंफर्म करते ही व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, और आप यहाँ भी देखिए 2009-10 के बाद से ही देख सकते हैं आप, लेकिन हमें अभी देखना है। सपोज करो मैं देख रहा हूँ 22-23 का लेटेस्ट, सिंस मेरे इंडिविजुअल नाम पे ज्यादा TDS कटते नहीं है, कंपनी के नाम पे कटता है। ये मेरे वो है शेयर्स हैं जहाँ से वो कुछ पैसे आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आएगा पार्टी का नाम और यहाँ टोटल अमाउंट, टोटल TDS। यहाँ भी पार्टी का नाम, टोटल अमाउंट, टोटल TDS। अगर आपकी कोई रिफंड थी लास्ट ईयर की तो यहाँ आती है कि आपको लास्ट ईयर की रिफंड इस साल अगर मिली है तो
यहाँ आ जाएगी। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने पे कर रखा है टीडीएस या टीसीएस के अलावा तो यहाँ पे आ जाएगी। टीसीएस अगर आपकी है कोई तो वो यहाँ आएगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपकी कोई एंट्रीज है तो वो यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही करके हर चीजों के लिए टीडीएस डिफॉल्ट्स अगर आपके हैं किसी ईयर के तो वो यहाँ आएंगे। और अब लास्ट ईयर से ये ऑप्शन भी है कि आपकी डिटेल्स ऑफ जीएसटी और रिटर्न्स 3B की जो टर्नओवर है वो भी 26AS से मैच करेगी अब से, सो दैट ज्यादा मिसमैच का स्कोप ना रहे। तो ये था हमारे 26AS, इसे अभी बंद कर देते हैं। और फिर लास्ट में है डाउनलोड प्रीफिल्ड चालान, प्रीफिल्ड डाटा डेटा। ये प्रीफिल्ड डेटा हमारे उस काम में आता है जब हम यहाँ से XML डाउनलोड करके किसी और सॉफ्टवेयर में यूज करना चाहें तो मोस्टली डेटा जैसे कि आपके नाम, पैन नंबर, आधार, एड्रेस, बैंक डिटेल्स, वो परमानेंट डिटेल्स जो भी रहती हैं वो यहाँ पे आपकी प्रीफिल होके आ जाएंगी। ये देखो ये यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, आप इसे एक बार पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका इनकम टैक्स फॉर्म्स, व्यू फाइल फॉर्म्स। इनकम टैक्स के अलावा लाइक इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा जो कुछ फॉर्म रहते हैं वो यहाँ आएंगे। कुछ और फॉर्म मतलब कि 15CA, 15CB, बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो फाइल करने होते हैं आपको, जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी और आगे आएंगे। ये कुछ फॉर्म आते हैं, देखिए फॉर्म 10CCB, ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 80, I7, IA7, CSIN जो आपका है आपको उसका यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। और फिर आप इसे फाइल कर सकते हो। इसके अलावा जो फॉर्म आती है वो है 10 CCBA, CCBC, CCBD, ये सारे फॉर्म्स है जो आप फाइल कर सकते हो। रीजंस भी इसके दिए हुए हैं ऊपर, टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ्स। इसके अलावा और भी फॉर्म्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फाइलिंग हो गया। अब है ऑथराइज्ड पार्टनर्स। इनकम टैक्स के जो ऑथराइज्ड पार्टनर्स हैं वो हैं आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल में अपना सीए असाइन कर सकते हैं और उसे स्पेसिफिक फॉर्म भी असाइन कर सकते हैं कि मान के चलो आपको 15CB किसी से फाइल, सॉरी 15CA हाँ CB किसी से फाइल करवाना है और CCBC किसी और से, 10 CCBC किसी और से। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक CA को डाल के असाइन फॉर्म करके चूज कर सकते हो कि कौन सा फॉर्म किसे करवाना है, 3CD, 3CB, 6B। तो अलग अलग CA अलग अलग फॉर्म के लिए असाइन करो एंड दे विल बी वर्किंग ऑन योर बिहाफ। याद रखें आप जब तक उसे अपॉइंट नहीं करते हो सीए को तब तक वो आपके बिहाफ पे फॉर्म नहीं फाइल कर सकता, तो आपको ये पहले करना होगा। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव असेसी, आपको अगर वो असाइन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। किस सर्कमस्टेंसेस में है या तो मेंटली ही और शी इज
और 12th हो या माइनर है तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। Register to act on behalf of another person. A user can register to act on behalf of another person. किसी और के बिहाफ में भी आप कर सकते हो रजिस्टर। उसके क्या क्या कंडीशन है वो भी देखो यहाँ पे। In case of deceased, या फिर company is under liquidation. लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ऑथराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज में पहला जो है वो है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन उस केस में वैलिड है जब आपने ओरिजिनल रिटर्न कर रखा है फाइल और उसमें किसी भी तरीके की डिफेक्ट है या फिर इशू है या फिर एरर है तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज के चांस दे रही है कि आप उसे करेक्ट कर लें एक और बार। न्यू रिक्वेस्ट चूज कर सकते हैं कौन से ईयर के लिए है और क्या करना चाह रहे हैं। री प्रोसेस एडिशनल इंफॉर्मेशन रिफंड इशू। किसी कारण से अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया हुआ है फॉर एनी रीजन तो आप यहां से रिफंड के लिए भी रिशू रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। डोनेशन रिक्वेस्ट अगर आपने ई वेरीफाई नहीं कर रखा कि किसी साल या फिर नहीं भेज रखा अपना आईटीआर वीवी हार्ड कॉपी तो आपको फिर ये करना रहेगा जिससे कि आपके रिटर्न वैलिडेट हो जाए। याद रखें सिर्फ इनकम टैक्स फाइल कर देने से प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। इनकम टैक्स फाइल करने के बाद आपको आपके रिटर्न ई वेरीफाई भी करनी पड़ती है जो वेरीफाई करने के लिए तीन चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन रहता है आपका आधार ओटीपी, सेकंड ऑप्शन रहता है ओटीपी ऑन द रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, थर्ड ऑप्शन रहता है आपका नेट बैंकिंग से जाके, फोर्थ ऑप्शन रहता है एटीएम से वेरीफाई कर सकते हैं आप, ईवीसी कोड एक बैंक जनरेट करती है उससे, और लास्ट ऑप्शन रहता है फिजिकली आईटीआरवी को साइन करके कोरियर कर देना। इन पांचों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं और इनकी डिटेल्ड स्टेप्स के लिए आप हमारे साइट पे भी देख सकते हैं।
डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं आप वेरीफाई। कंप्लीट स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स और अलग अलग टाइप के ऑप्शंस यहाँ डिटेल्ड में दी हुई है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा स्टेप्स, इसके बाद है आपका जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड भी जनरेट कर सकते हैं और उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं जाके। उसके बाद है मैनेज आईटीटी रिपोर्टिंग। पैन भी अपना यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपकी अपने ऑनलाइन इनकम टैक्स के साइट से अप्लाई कर रखा है तो। और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये इनकम टैक्स के साइट की, ये हमें नहीं फाइल करना होता, ये बैंकिंग्स एंड अलग कंपनीज को फाइल करनी होती है जिनको पूरी की पूरी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करनी रहती है गवर्नमेंट को। उसके बाद आता है आपका पेंडिंग एक्शंस वर्क लिस्ट। अब यहाँ अगर कोई इंटीमेशन आ रखी है या फिर आपने किसी सीए को अपॉइंट करा था टू फाइल अ फॉर्म, सपोज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो जब उसने वो अपलोड कर दिया है तो आपके पास यहाँ पे वो आती है और द अप्रूवल, तो आपको यहाँ अप्रूव करना रहता है, फिर वो वैलिडेट होती है। ऐसा नहीं उसने अपलोड कर दी और वो आपके लिए लाइबल आप या फिर आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है, आप उसे चेक कर सकते हो, उसके बाद आप उसे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हो। वंस यू अप्रूव इट, उसके बाद से वो आपके लिए लीगली वैलिड रहेगा, या अगर उसमें कुछ इश्यू है तो आप उसे बता सकते हो, फिर वो करेक्शन के लिए फिर से जाके फिर वो आएगी दोबारा। अगर आपकी कोई डिमांड है इनकम टैक्स की तो यहाँ पे उसे आप देख सकते हो, या तो असेसमेंट ईयर के हिसाब से या फिर डिमांड रेफरेंस नंबर डाल के। ये प्रोसीडिंग्स, अगर आपकी ऑनलाइन ये प्रोसीडिंग चल रही है कोई, तो आप उसे यहाँ देख सकते हो। यहाँ आपकी ये प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं।
अभी रिसेंटली इनकम टैक्स ने थोड़ा टाइम पहले ये अप्लाई किया था कि अब से फिजिकल हियरिंग्स नहीं होंगी और ऑनलाइन हियरिंग्स ही होंगी। तो उसके बाद से सारी चीज़ें यहीं से आप अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव सीए या फिर एडवोकेट जो भी रहता है आप उसे अपॉइंट कर सकते हो, और फिर वो आपके बिहाफ में यहाँ से रिस्पॉन्स फाइल करके केस को आगे कंप्लीट करेगा। अगर कोई भी इशू आती है तो इनकम टैक्स वाले फिर अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि वो आके मिले, बट नॉर्मल केसेस में सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाती है। कंप्लाइंस पोर्टल, अब ये एक कंप्लाइंस पोर्टल है जिसमें कि रैंडमली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपने सपोज अपने बैंक में कैश डिपॉजिट करा है सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा, तो फिर वो यहाँ ऑटोमेटिकली वो आती है, फिर आपको करना रहता है यहाँ पे रिस्पॉन्स फाइल। ये कैंपेन इनकम टैक्स की, ये कैंपेन मेलिंग जैसे होती है वैसे ही एक ऑप्शन है। फिर ये है आपका एक रिपोर्टिंग पोर्टल, इस पोर्टल पे आप रजिस्टर कर सकते हो। एसएफटी मतलब सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दिस बेसिकली मींस हायर अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट्स और हायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स और हायर अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स दैट आर नॉट यूजुअल इन योर बैंक अकाउंट्स, तो उससे ये सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डाल के कभी कभी आपको नोटिसेस भी भेजते हैं कि जस्ट गिव इट्स जस्टिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नोटिस है। उसके बाद ग्रीवेंस, अगर आपको इनकम टैक्स के साइट में किसी भी चीज को लेके इशू है तो आप यहाँ ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न आपने कर दिया फाइल बट अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, या फिर आपने प्रोसेस होन हो जाने के बाद अभी तक रिफंड नहीं आई हुई है, या आपने कोई इशू रेज कर रखा है उसका रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है, कोई भी चीज़ हो आप यहाँ पे ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। ग्रीवेंस रेज करने के लिए आप जब जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस रहेंगे कि किस कैटेगरी का आपका इशू है, ई फाइलिंग, एसेसिंग ऑफिसर, सीपीसी, टीडीएस, यूटीआईआईटीएसएल, एनएसडीएल। ये भी हम यूटीआईआईटीएसएल भी एक इनकम टैक्स का ही वो है जहाँ से अब पैन अप्लाई होता है, यहाँ से काफ़ी जल्दी और ऑनलाइन पैन अप्लाई हो जाता है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। एनएसडीएल के साइट से डीएससी से पैन अप्लाई करना इज क्वाइट अ हेडेक, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा हुआ है। सो इसीलिए डीएससी से अगर आपको कभी भी पैन अप्लाई करना रहता है तो यूटीआईआईटीएसएल इज बेस्ट यहाँ जाके। सिंपली यू कैन अप्लाई फॉर द न्यू पैन कार्ड। यहाँ ऑप्शन है फिजिकल मोड या फिर डिजिटल मोड। डिजिटल मोड में भी फिर तीन ऑप्शन है, आधार बेस्ड ई केवाईसी, अगर आपके आधार में कॉन्टैक्ट नंबर लिंक्ड है तो ओटीपी से आप कर सकते हो। ई साइन मोड, ये भी आधार बेस्ड ही है। इन डीएससी मोड तो काफी हैंडी है ऑप्शन। एनएसडीएल ने भी रखा है देखे साइट पे बट कभी काम नहीं करती है वो, मेरे साथ तो इनफैक्ट कभी नहीं हुआ ऐसा। सीपीसी, आईटीआर, एसबीआई, सिंस रिफंड वगैरह यहीं से आती है मोस्टली, डीआईटी सिस्टम्स, इनके बारे में डिटेल यहाँ पे बता रहे हैं आप देखो।
कि कहाँ पे क्या इशू होती है तो आपको कहाँ क्या हेल्प करना है। तो ये था बेसिक। अगर आपने फिर कोई ग्रीवेंस रेज कर रखा है उसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हो। अभी सिंस जब न्यू इनकम टैक्स साइट लॉन्च हुई थी तो मेरे डिजिटल सिग्नेचर शो नहीं कर रहे थे इसमें, तो इसीलिए हमने ये टिकट रेज करा था। दैट हैज बीन सॉल्वड रिजॉल्वड। तो ये थी बेसिकली इनकम टैक्स की साइट। होपफुली इसमें आपको सारी चीजों की के बारे में आइडिया एक मिल गया हो। अब आपको मैं दिखाता हूँ एज अ सीए। ये तो था एज अ इंडिविजुअल अगर हम करते हैं लॉगिन तब। तो चलते हैं हम हमारे नए इनकम टैक्स पोर्टल के लिए, जो कि ये रहा उसका लिंक incometax.gov.in/ic/fo-portal। ठीक है, यहाँ पे आके हमें अब जैसे कि आप देख रहे हैं पहले का जो होम पेज था और अब के होम पेज में भी काफी ज्यादा अंतर है। यहाँ पे बाहर ही दे हैव कैटेगराइज्ड इंडिविजुअल HUF। पहला ऑप्शन है जिसमें कि सैलरीड एम्प्लॉयज, सैलरीड एम्प्लॉयज के अंदर में दे हैव गिवन दीज बाइफर्केशंस। देख लें आप इसे एक बार, फिर हम इसे वन टू वन डिस्कस करेंगे। यह है गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे वो हमें जो भी हमारे बेसिक ITR के फॉर्म्स हैं उसके कंटेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको अभी चार दिख रहे हैं क्योंकि सिर्फ चार ही लॉन्च हुई है ग्रेजुअली अभी, और 5, 6, 7 ITRs भी है जो भी वो भी अभी यहाँ पे आएंगे। तो आपको उसके साथ में उन ITRs की भी यूजर मैनुअल और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये जब आप रजिस्टर करने के लिए जाएंगे तो फिर ये डिटेल्स वो वहां पे मांगेंगे आपसे, प्रोफाइल नेम डिटेल्स, पैन, डेट ऑफ बर्थ, आधार बेसिक, KYC डिटेल, फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं। फिर है रिटर्न्स फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी। इसके अंदर आपके ऊपर कौन से ITR आपके लिए एप्लीकेबल है कौन से ही नहीं है यहाँ आपको वो गाइडेंस देते हैं। उसके बाद है टैक्स लैब्स। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप यहाँ जाकर स्टडी कर सकते हैं कि अब टैक्स रेट क्या है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि फीमेल्स के लिए टैक्स रेट कम है, मेल्स के लिए ज्यादा है।
तो अब खैर वो कोई डिफरेंस रहा नहीं है, सिर्फ एज के हिसाब से थोड़ी बहुत बेनिफिट भी है। सरचार्ज सर्टेन इन अमाउंट ऑफ इनकम से जब आपकी इनकम बढ़ती है सर्टेन अमाउंट से, तो उसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल है। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी काफी कुछ यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ATCC, ATC, CCD, NPS स्कीम, ATD, पूरी सेक्शन 6, सॉरी शेड्यूल 6A के बारे में टोटल एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है यहाँ पे। उसके बाद आ रहा है अपडेट माय प्रोफाइल डिटेल्स। आपको जब प्रोफाइल डालना अपडेट करना रहेगा तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। देन असिस्टेड फाइलिंग, असिस्टेड फाइलिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं, हु कैन असिस्ट यू सीए, सो वी आर अ टीम ऑफ सीए सीएस एंड लॉयर्स। मैं टेक्सास की बात कर रहा हूँ, सो यू कैन ऑलवेज कम टू अस फॉर द हेल्प। बाकी देखिए ये कह रहे हैं कि सीए आपकी हेल्प कर सकता है, ई आर आई आपकी हेल्प कर सकता है, ई रिटर्न इंटरमीडियरीज, वी आर ऑल्सो अ ई रिटर्न इंटरमीडियरी रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये देख सकते हैं आप, हमारे साइट पे भी हमने डाल रखा है, एंड वी हैव आवर ई रिटर्न इंटरमीडियरी नंबर ऑल्सो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स। ये उस केस में एप्लीकेबल रहता है कि जब ये चार केसेस में, देखो आप इन चार केसेस में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स आर वैलिड। तो ये बेसिक चीजें हैं और जो आप देख सकते हो आराम से। फाइनली आता है डाउनलोड, जहां से आप आईटीआर के फॉर्म्स डाउनलोड करके यूटिलिटी से आप इसे फाइल भी कर सकते हो। फिर आता है बिजनेस प्रोफेशन, सेम चीज़ें यहाँ भी है। फिर है आपका सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन्स, इनके लिए भी सेम चीज़ है। फिर है नॉन रेजिडेंट, और फिर है HUF। नेक्स्ट कैटेगरी है आपका कंपनी, कंपनी के में भी फिर इन्होंने डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी में बाइफरकेट कर रखा है। यहाँ देखो, हाँ ये रहा ITR 6 और 7, वहाँ था 4 तक, यहाँ आ गए 6 7, 5 भी इसी में होगी। लोन कंपनी में आएगी, रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल टू टू देम। दे हैव ऑल्सो गिवन यूर टैक्स जीनी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हु विल बी हेल्पिंग यू। दे आर ट्राइंग टू अपग्रेड इट टू द मैक्सिमम लेवल एज पॉसिबल, सो दैट टैक्स पेयर्स को कम से कम इशू आए। देखें ये क्या कहता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब चीजें करके रखा हुआ है सेव, यू कैन बेसिकली यूज इट। देखते हैं कितनी हैंडी मतलब होती है। फिर कंपनीज के टैक्स लैब्स, उसके बाद है आपका फॉरेन कंपनी में भी सेम चीज है। इसके बाद है नॉन कंपनी, नॉन कंपनी में आती है आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट एंड AJP। फिर आती है फर्म एंड LLP, एंड फिर लोकल अथॉरिटी।
उसके बाद एक और टैब है चार्टेड अकाउंटेंट्स, ये भी है मतलब हमारे पास, तो हम ये भी आपको लॉग इन करके दिखाएंगे। फिर एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे बैंक्स एंड ऑल, एंड उसके बाद है आपका टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स कलेक्टर, ये भी है, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। एंड लास्ट ऑप्शन, ये एक और ऑप्शन है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन इज डाउनलोड्स, जहाँ पे आपको टोटल इनकम टैक्स यूटिलिटीज सारे मिल जाएंगे, आप जहाँ से कर सकते हो डाउनलोड। एंड लास्ट ऑप्शन इज हेल्प। चलिए हम लॉग इन करते हैं। यहाँ ऑप्शन है लॉग इन का, आप साइट को इंग्लिश और हिंदी में भी यूज कर सकते हैं और उसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। ये हमने लॉग इन कर लिया, और लॉग इन करते ही आपको ये 40 मिनट्स का टाइम देते हैं फॉर वन लॉग इन, मतलब उसके बाद अगर रिफ्रेश करते हो या जो भी करते हो फिर आपको वो अपडेट हो जाता है, नहीं तो ये रहता है। डैशबोर्ड पे जैसे हमें दिख रहा है वो है कि पहला है कि फाइल लेटेस्ट आपने क्या फाइल कर रखी है, कब फाइल करी है और वेरीफाई कब हो रखा है, फिर रिटर्न प्रोसेसिंग जब होगी तब यहाँ आएगी और कंप्लीशन के बाद यहाँ पे, और फाइल करना है आपको तो आप यहाँ जाके रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ओरिजिनल रिटर्न 14 सितंबर को ही फाइल कर रखी है, इसीलिए यहाँ पे रिवाइज का ऑप्शन आ रहा है, वरना नया फाइल कर रहा था। फिर है टैक्स डिपॉजिट, यहाँ आप जो जो अपने टैक्स पे करेंगे या जितनी भी अमाउंट आपकी रहेगी वो यहाँ एज अ ग्राफिकल ऑर्डर में दिखेगी आपकी। फिर है रिसेंट फाइल्ड रिटर्न्स, आपकी रिसेंट जो रिटर्न्स फाइल्ड है वहां वो बेसिकली आपकी टैक्सेबल इनकम दिखाते हैं इधर। के बाद है पेंडिंग, कोई नोटिसेस वगैरह या कोई क्वेरी अगर है तो वो यहाँ आएगी। फिर रिसेंट फॉर्म्स फाइल्ड, इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा अगर आपने कोई और फॉर्म फाइल कर रखा है तो यहाँ आ जाएगा। ग्रीवेंसेस अगर आपने कोई रेज कर रखा है उसका स्टेटस क्या है वो यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद अगर हम आते हैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, तो हम जाके जब चूज करते हैं तो वी गेट ऑप्शन ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे रिकमेंडेड इज ऑनलाइन बट हम करते हैं हमेशा ऑफलाइन। फाइल अ फ्रेश न्यू इनकम टैक्स रिटर्न, आप यहाँ जाके अपना नया इनकम टैक्स रिटर्न भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले बाकी चीजें देख लेते हैं फिर रिटर्न देखेंगे अगर टाइम रहा तो। यहाँ डैशबोर्ड में आपको मिल जाता है पूरा का पूरा एक आपकी ईयर वाइज रिटर्न का स्टेटस, कि आपने कब फाइल किया, वेरिफिकेशन कब हुई और अभी का स्टेटस। यहाँ रिफंड रीशूट तक की भी डिटेल आती है आपकी, तो ईयर वाइज आप उसको आइटम्स पर पेज से आप चेंज कर सकते हैं उसको आप। तो आपकी हिस्ट्री जहां तक है टोटल आप देख के, डाउनलोड फॉर्म, डाउनलोड रिसीट, डाउनलोड XML। XML मतलब यही होती है, एक तरीके का फाइल है, हम जब किसी सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर करते हैं और वहां से रिटर्न करते हैं फाइल तो वो XML फॉर्मेट में ही वहां से एक्सपोर्ट होती है और इनकम टैक्स उसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट भी करती है उसको। ये होता है फॉर्म जो बैंक्स वगैरह मांगते हैं आपसे लोन के टाइम में, किसी भी टाइम में। तो सिंस मैंने 2011-12 से फाइल करना स्टार्ट किया है तो उस टाइम से है, आपका अगर उसके पहले से है तो होगा। उसके बाद आता ई वेरीफाई रिटर्न्स, अगर आप कि किसी भी साल के रिटर्न ई वेरीफाइड नहीं है, जो कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 120 दिन तक, 120 दिन के अंदर अंदर आपको ई वेरिफिकेशन करना रहता है। अगर आपने नहीं कर रखा है उसे तो आपकी वो रिटर्न डिफेक्टिव मार्क हो जाती है
और फिर आपको अगर उसको वैलिड करवाना है तो आपको कॉन्डनेशन ऑफ डिले के लिए फाइल करना पड़ता है, फिर जाकर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होती है वो। इसलिए 120 दिन के अंदर अंदर हम उसे ई वेरीफाई कर लेना चाहिए। फिर है व्यू फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS में बेसिकली क्या होती है, आपके पूरे साल भर की इनकम जो रहती है उसके ऊपर TDS जो भी कटता है वो वहाँ पे शो होती है। तो बेसिकली 26AS हेल्प्स अस इन असर्टेनिंग आवर TDS कि कितना TDS कटा है जो कि हमें साल के एंड में रिफंड क्लेम करना है या फिर वहाँ से टैक्स एडजस्ट करना है, जैसा भी कंडीशन रहता है उसी के बेसिस पे रहता है। तो यहाँ कंफर्म करते ही व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, और आप यहाँ भी देखिए 2009-10 के बाद से ही देख सकते हैं आप, लेकिन हमें अभी देखना है। सपोज करो मैं देख रहा हूँ 22-23 का लेटेस्ट, सिंस मेरे इंडिविजुअल नाम पे ज़्यादा TDS कटते नहीं है, कंपनी का नाम पे कटता है। ये मेरे वो है शेयर्स हैं जहाँ से वो कुछ पैसे आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आएगा पार्टी का नाम और यहाँ टोटल अमाउंट टोटल TDS, यहाँ भी पार्टी का नाम टोटल अमाउंट टोटल TDS। अगर आपकी कोई रिफंड थी लास्ट ईयर की तो यहाँ आती है कि आपको लास्ट ईयर की रिफंड इस साल अगर मिली है तो यहाँ आ जाएगी। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने पे कर रखा है TDS या TCS के अलावा तो यहाँ पे आ जाएगी। TCS अगर आपकी है कोई तो वो यहाँ आएगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपकी कोई एंट्रीज है तो वो यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही करके हर चीजों के लिए TDS डिफॉल्ट अगर आपके हैं किसी ईयर के तो वो यहाँ आएंगे। और अब लास्ट ईयर से ये ऑप्शन भी है कि आपकी डिटेल्स ऑफ GST या रिटर्न्स 3B की जो टर्नओवर है वो भी 26AS से मैच करेगी आपसे, सो दैट ज्यादा मिसमैच का स्कोप ना रहे। तो ये था हमारे 26AS, हम इसे अभी बंद कर देते हैं। और फिर लास्ट में है डाउनलोड प्रीफिल्ड चला, प्रीफिल्ड डाटा डेटा। ये प्रीफिल्ड डेटा हमारे उस काम में आता है जब हम यहाँ से XML डाउनलोड करके किसी और सॉफ्टवेयर में यूज करना चाहें तो मोस्टली डेटा जैसे कि आपके नाम, पैन नंबर, आधार, एड्रेस, बैंक डिटेल्स, वो परमानेंट डिटेल्स जो भी रहती हैं वो यहाँ पे आपकी प्रीफिल होके आ जाएंगी। ये देखो ये यहाँ पे एक्सप्लेन है, आप इसे एक बार पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका इनकम टैक्स फॉर्म्स, व्यू फाइल फॉर्म्स। इनकम टैक्स के अलावा लाइक इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा जो कुछ फॉर्म रहते हैं वो यहाँ आएंगे। कुछ और फॉर्म मतलब कि 15CA, 15CB, बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो फाइल करने होते हैं आपको, जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी और आगे आएंगे। ये कुछ फॉर्म आते हैं, देखिए फॉर्म 10CCB, फॉर्म 10 ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 80, I7, IA7, CSIN जो आपका है आपको उसका यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। और फिर आप इसे फाइल कर सकते हो। इसके अलावा जो फॉर्म आती है वो है 10 CCBA, CCBC, CCBD, ये सारे फॉर्म्स हैं जो आप फाइल कर सकते हो। रीजंस भी इसके दिए हुए हैं ऊपर, टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ्स। इसके अलावा और भी फॉर्म्स हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फाइलिंग हो गया। अब है ऑथराइज्ड पार्टनर्स। इनकम टैक्स के जो ऑथराइज्ड पार्टनर्स हैं वो हैं आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल में अपना सीए असाइन कर सकते हैं और उसे स्पेसिफिक फॉर्म भी असाइन कर सकते हैं कि मान के चलो आपको 15CB किसी से फाइल सॉरी 15CA हाँ CB किसी से फाइल करवाना है और CCBC किसी और से 10CCBC किसी और से। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक CA को डाल के असाइन फॉर्म करके चूज कर सकते हो कि कौन सा फॉर्म किसे करवाना है 3CD 3CB 6B। तो अलग अलग सीए अलग अलग फॉर्म के लिए असाइन करो एंड दे विल बी वर्किंग ऑन योर बिहाफ। याद रखें आप जब तक उसे अपॉइंट नहीं करते हो सीए को तब तक वो आपके बिहाफ पे फॉर्म नहीं फाइल कर सकता। तो आपको ये पहले करना होगा। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। आपको अगर वो असाइन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो किस सर्कमस्टेंसेस में है। या तो मेंटली ही और शी इज नॉट वेल तो या माइनर है तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। register to act on behalf of another person. A user can register to act on behalf of another person. किसी और के बिहाफ में भी आप कर सकते हो register. उसके क्या क्या कंडीशन है वो भी देखो यहाँ पे in case of deceased या फिर company is under liquidation. लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ऑथराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज में पहला जो है वो है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन उस केस में वैलिड है जब आपने ओरिजिनल रिटर्न कर रखा है फाइल और उसमें किसी भी तरीके की डिफेक्ट है या फिर इशू है या फिर एरर है तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज के चांस दे रही है कि आप उसे करेक्ट कर लें एक और बार। न्यू रिक्वेस्ट चूज कर सकते हैं कौन सी ईयर के लिए है और क्या करना चाह रहे हैं। रीप्रोसेस एडिशनल इंफॉर्मेशन रिफंड रेशू। किसी कारण से अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया हुआ है फॉर एनी रीजन तो आप यहां से रिफंड के लिए भी रेशू रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। डोनेशन रिक्वेस्ट अगर आपने ई वेरीफाई नहीं कर रखा कि किसी साल या फिर नहीं भेज रखा अपना ITR VV हार्ड कॉपी तो आपको फिर ये करना रहेगा जिससे कि आपके रिटर्न वैलिडेट हो जाए। याद रखें सिर्फ इनकम टैक्स फाइल कर देने से प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। इनकम टैक्स फाइल करने के बाद आपको आपके रिटर्न ई वेरीफाई भी करनी पड़ती है
जो वेरीफाई करने के लिए तीन चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन रहता है आपका आधार ओटीपी, सेकंड ऑप्शन रहता है ओटीपी ऑन द रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, थर्ड ऑप्शन रहता है आपका नेट बैंकिंग से जाके, फोर्थ ऑप्शन रहता है एटीएम से वेरीफाई कर सकते हैं आप, ईवीसी कोड एक बैंक जनरेट करती है उससे, और लास्ट ऑप्शन रहता है फिजिकली आईटीआरवी को साइन करके कोरियर कर देना। इन पांचों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं, और इनकी डिटेल्ड स्टेप्स के लिए आप हमारे साइट पे भी देख सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं आप वेरीफाई। कंप्लीट स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स और अलग अलग टाइप के ऑप्शंस यहाँ डिटेल्ड में दी हुई है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा स्टेप्स, इसके बाद है आपका जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड भी जनरेट कर सकते हैं और उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं जाके। उसके बाद है मैनेज आईटीटी रिपोर्टिंग, पैन भी अपना यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपकी अपने ऑनलाइन इनकम टैक्स के साइट से अप्लाई कर रखा है तो। और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये इनकम टैक्स के साइट की, ये हमें नहीं फाइल करना होता, ये बैंकिंग अलग कंपनीज को फाइल करनी होती है जिनको पूरी की पूरी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करनी रहती है गवर्नमेंट को। उसके बाद आता है आपका पेंडिंग एक्शंस वर्कलिस्ट। अब
अब यहाँ अगर कोई इंटीमेशन आ रखी है या फिर किसी या फिर आपने किसी सीए को अपॉइंट करा था टू फाइल अ फॉर्म सपोज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो जब उसने वो अपलोड कर दिया है तो आपके पास यहाँ पे वो आती है फॉर द अप्रूवल, तो आपको यहाँ अप्रूव करना रहता है, फिर वो वैलिडेट होती है। ऐसा नहीं उसने अपलोड कर दी और वो आपके लिए लाइबल आप या फिर आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। आप उसे चेक कर सकते हो, उसके बाद आप उसे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हो। वंस यू अप्रूव इट, उसके बाद से वो आपके लिए लीगली वैलिड रहेगा, या अगर उसमें कुछ इश्यू है तो आप उसे बता सकते हो, फिर वो करेक्शन के लिए फिर से जाके फिर वो आएगी दोबारा। अगर आपकी कोई डिमांड है इनकम टैक्स की तो यहाँ पे उसे आप देख सकते हो, या तो असेसमेंट ईयर के हिसाब से या फिर डिमांड रेफरेंस नंबर डाल के। ये प्रोसीडिंग्स अगर आपकी ऑनलाइन ये प्रोसीडिंग चल रही है कोई, तो आप उसे यहाँ देख सकते हो। यहाँ आपकी ये प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं। अभी रिसेंटली इनकम टैक्स ने थोड़ा टाइम पहले ये अप्लाई किया था कि अब से फिजिकल हियरिंग्स नहीं होंगी और ऑनलाइन हियरिंग्स ही होंगी, तो उसके बाद से सारी चीज़ें यहीं से आप अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव सीए या फिर एडवोकेट जो भी रहता है आप उसे अपॉइंट कर सकते हो, और फिर वो आपके बिहाफ में यहाँ से रिस्पॉन्स फाइल करके केस को आगे कंप्लीट करेगा। अगर कोई भी इशू आती है तो इनकम टैक्स वाले फिर अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि वो आके मिले, बट नॉर्मल केसेस में सारी चीजें ऑनलाइन ही हो जाती है। कंप्लायंस पोर्टल, अब ये एक कंप्लायंस पोर्टल है जिसमें कि रैंडमली बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपने सपोज अपने बैंक में कैश डिपॉजिट करा है सर्टेन अमाउंट से ज्यादा, तो फिर वो यहाँ ऑटोमेटिकली वो आती है, फिर आपको करना रहता है यहाँ पे रिस्पॉन्स फाइल। ये कैंपेन इनकम टैक्स की ये कैंपेन मेलिंग जैसे होती है वैसे ही एक ऑप्शन है। फिर ये है आपका एक रिपोर्टिंग पोर्टल, इस पोर्टल पे आप रजिस्टर कर सकते हो। एसएफटी मतलब सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दिस बेसिकली मींस हायर अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट्स और हायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स और हायर अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स दैट आर नॉट यूजुअल इन योर बैंक अकाउंट्स, तो उससे ये सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डाल के कभी कभी आपको नोटिसेस भी भेजते हैं कि जस्ट गिव इट्स जस्टिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नोटिस है। उसके बाद ग्रीवेंस, अगर आपको इनकम टैक्स के साइट में किसी भी चीज को लेके इशू है तो आप यहाँ ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न आपने कर दिया फाइल बट अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, या फिर आपने प्रोसेस हो जाने के बाद अभी तक रिफंड नहीं आई हुई है, या आपने कोई इशू रेज कर रखा है उसका रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है, कोई भी चीज़ हो आप यहाँ पे ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। ग्रीवेंस रेज करने के लिए आप जब जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस रहेंगे कि किस कैटेगरी का आपका इशू है, ई फाइलिंग, एसेसिंग ऑफिसर, सीपीसी, टीडीएस, यूटीआईआईटीएसएल, एनएसडीएल, ये भी हम यूटीआईआईटीएसएल भी एक इनकम टैक्स का ही वो
वो है जहां से पैन अप्लाई होता है। यहां से काफी जल्दी और ऑनलाइन पैन अप्लाई हो जाता है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। NSDL के साइट से DSC से पैन अप्लाई करना इज क्वाइट अ हेडेक, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा हुआ है। सो इसीलिए DSC से अगर आपको कभी भी पैन अप्लाई करना रहता है तो UTI TSL इज बेस्ट। यहाँ जाके सिंपली यू कैन अप्लाई फॉर द न्यू पैन कार्ड। यहाँ ऑप्शन है फिजिकल मोड या फिर डिजिटल मोड। डिजिटल मोड में भी फिर तीन ऑप्शन है, आधार बेस्ड EKYC, अगर आपके आधार में कॉन्टैक्ट नंबर लिंक्ड है तो OTP से आप कर सकते हो। ई साइन मोड, ये भी आधार बेस्ड ही है। इन DSC मोड तो काफी हैंडी है ऑप्शन। NSDL ने भी रखा है देखे साइट पे, बट कभी काम नहीं करती है वो, मेरे साथ तो इनफैक्ट कभी नहीं हुआ ऐसा। CPC ITR SBI, सिंस रिफंड वगैरह यहीं से आती है मोस्टली, DIT सिस्टम्स, इनके बारे में डिटेल्ड यहाँ पे बता रहे हैं। आप देखो कि कहाँ पे क्या इशू होती है तो आपको कहाँ क्या हेल्प करना है। तो ये था बेसिक। अगर आपने फिर कोई ग्रीवेंस रेज कर रखा है उसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हो। अभी सिंस जब न्यू इनकम टैक्स साइट लॉन्च हुई थी तो मेरे डिजिटल सिग्नेचर शो नहीं कर रहे थे इसमें, तो इसीलिए हमने ये टिकट रेज करा था। दैट हैज बीन सॉल्वड रिजॉल्वड। तो ये थी बेसिकली इनकम टैक्स की साइट। होपफुली इसमें आपको सारी चीजों की के बारे में आइडिया एक मिल गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ एज अ CA। ये तो था एज अ इंडिविजुअल अगर हम करते हैं लॉगिन, तब